दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओप्पो A59 5G के बारे में। देखिए दोस्तों, ये 5 डेज हुआ है ओनली, और प्रॉब्लम ये है मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बंद हो के डायरेक्ट क्या होता है ना, रीस्टार्ट होके जैसे आता है ना, अगर आपका मोबाइल अगर रीसेट कर लेते हो, मोबाइल रीसेट करने के बाद जैसे डायरेक्ट आ जाता है कि कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, वैसे आ जाता है। फिर अगर आप उसको सेटअप कर लेते हो, सेटअप हो जाता है, 2 घंटा चलता है, उसके बाद फिर से सेम प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या करने से ये प्रॉब्लम होता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हो, इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एकदम स्किप मत करना। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है ओप्पो का A59 5G। इसमें आपको ऑप्शन भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, इधर ऐसे ही लिखा आ रहा है, सेटअप के लिए लिखा आ रहा है। तो इसका तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, देखिए मैं इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अभी ये एकदम रेडी है। तो उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था पहले बता देता हूँ। ये मोबाइल फाइनेंस पे लिया हुआ था, और जिसने लिया था उसको पता नहीं है, उसने कैसे भी करके एक बार रीसेट कर लिया मोबाइल को। ऐसे तो नॉर्मली रीसेट नहीं होता है, लेकिन इसको कैसे किया कैसे नहीं किया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कस्टमर ने कुछ भी करके इसको रीसेट कर लिया। जैसे ही रीसेट कर लिया, सेम सिचुएशन शुरू हो गया कि रीसेट करने के बाद सेटअप तो कर दिया, सेटअप करके चलाने लगा, 2 घंटे के बाद फिर से रीसेट हो गया, फिर से रीसेट होके लैंग्वेज का ऑप्शन सामने आ गया। तो ऐसे जब 2-3 बार हुआ तो मेरे पास लेके आया, भाई ऐसा ऐसा है, मैं बोला ठीक है इसको कर तो दूंगा, लेकिन आप EMI डिफॉल्ट नहीं करना। जैसे आपका EMI खत्म हो जाए, मतलब आपका जो EMI जो मंथली चल रहा है, जैसे ही आपका EMI खत्म हो जाए और एक बार इसको रीसेट कर लेना, ये प्रॉब्लम प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। तो इसने सेम चीज किया, मेरे को देखे गया, मैं अभी इसको रेडी कर चुका हूँ। क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो बता नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंस सीक्रेट है। तो आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करना, या तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा कहीं पे भी यूट्यूब में, आप मुझे उसमें चैट कर सकते हो, व्हाट्सएप में बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।